सड़कों का और फुटपाथ का अतिक्रमण तो आपने देखा ही, हमने ये भी आपको कल दिखाया कि किस प्रकार से बैंक मोड़ का ऐतिहासिक धरोहर कुएं का भी अतिक्रमण किया गया था। आपको बता दें कि ये कुआं लगभग आज़ादी के समय का है, अंग्रेजों के ज़माने से ये कुआं है और यहाँ पर भी इसे अतिक्रमण कर लिया गया था। इस प्रकार से अतिक्रमण किया गया था कि लोगों को अंदाज़ा भी नहीं होता था कि शायद यहाँ पर कुआं है। इस वक्त मैं इसी कुएं के पास मौजूद हूँ और आप देखिए कि आज यहाँ से अतिक्रमण को पूरी तरीके से हटा लिया गया है। हालांकि लोगों का ये कहना था कि जो पानी लेने यहाँ पर आते थे, क्योंकि अतिक्रमण के बावजूद भी लोग पानी लेने आते थे यहाँ पर, लेकिन उन्हें जिन लोगों की ओर से अतिक्रमण किया गया था उनसे कोई परेशानी नहीं थी, वो साइड से आकर यहाँ से कुएं से पानी लेकर चले जाते थे। आइए चैम्बर के लोगों से हम बातचीत करते हैं और जानते हैं, क्योंकि ये बैंक मोड़ का ऐतिहासिक धरोहर है, इसमें और क्या कुछ करना चाहिए और आगे इस प्रकार से अतिक्रमण की स्थिति ना हो उस पर रोक लगाने के लिए और क्या स्टेप्स लेने चाहिए। देखिए, जहाँ तक बात है कुएं की, तो आज ये ऐतिहासिक कुआं है और ये कुएं से आज सोचिए पूरे बैंक मोड़ में पानी की आपूर्ति होती है और पूरे जितने यहाँ दुकानदार देख रहे हैं, चाय वाले देख रहे हैं या होटल वाले देख रहे हैं या आप मिठाई वाले देख रहे हैं, सबको इसी कुएं से पानी जाता है। और इस कुएं का ये महत्व है कि ये 12 महीने इसमें पानी रहता है और आप देखिएगा कि पनभरे जो हैं यहाँ वो पानी निकाल के बेचते भी हैं, सेल भी करते हैं। कल हमारे पास एक नगर निगम के अधिकारी बैठे हुए थे, मैंने उनको सुझाव भी दिया था कि देखिए हमारा बैंक मोड़ एक कनाट पैलेस की तरह है और आप सौंदर्यीकरण के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो कुएं को अगर आप कोई सौंदर्यीकरण के हिसाब से देखिएगा तो मैं चाहता हूँ उसमें एक फाउंटेन लगा दिया जाए, एक ऐसी मोटर लगा दी जाए ताकि एक फाउंटेन के रूप में ये काम भी आएगा। शाम के समय आपने वो फाउंटेन चला दिया, फाउंटेन चलने के बाद क्या होगा कि कलरफुल लाइट लगा दी, वही पानी फाउंटेन के रूप में भी आएगा और वही पानी फिर अंदर जा करके फिर यूज़ में भी आएगा। तो क्या कि वो भी जो निकालने वाले पानी उनकी भी व्यवस्था कर दी जाए और एक फाउंटेन के रूप में इसका सौंदर्यीकरण कर दिया जाए का, और इसको सौंदर्यीकरण करने का बैंक मोड़ चैम्बर जिम्मा उठा लेगा अगर नगर निगम चाहेगा तो। तो हम लोगों का कहना ये है कि एक ऐतिहासिक कुआँ है और ये अंग्रेजों के ज़माने का है जैसा मेरे नॉलेज की बात है, और इस कुएँ को हेरिटेज कुआँ बोल सकते हैं हम लोग। आज पानी की जिस तरह से पूरे देश में किल्लत होने जा रही है, हमारे शहर में किल्लत होती है और यही हमारे काम आता है, तो हमें इसको बचाना भी है और सौंदर्यीकरण भी करना है। तो मेरा यही कहना होगा कि निगम इस पर ध्यान देते हुए इसका सौंदर्यीकरण करे और एक टीम बनाए चैम्बर के साथ मिल करके, जो इसमें अच्छा से अच्छा हो सकता है वैसा करे। है कि चूँकि लोकल दुकानदारों को भी अतिक्रमण से दिक्कत थी और ये जो हुआ ये अच्छा है, लेकिन इसमें बात आती है कि नगर निगम इसमें आगे क्या करेगा। अगर मान लीजिए नगर निगम इसको ग्रिलिंग या इस टाइप का चीज़ नहीं करता है, सौंदर्यीकरण होना चाहिए, अगर सौंदर्यीकरण नहीं होगा तो फिर वापस से अतिक्रमण हो जाएगा और फिर उसको हटाने का एक मुहिम चलेगा। ये एक प्रक्रिया है मेरे हिसाब से, हटाने के साथ साथ इन्फोर्समेंट जो हुआ है उसके साथ साथ इसका सौंदर्यीकरण होना चाहिए, इसमें ग्रिलिंग लगनी चाहिए ताकि आगे फिर इसका अतिक्रमण नहीं हो। देखिए ये कुआं मेरे हिसाब से काफ़ी पुराना है, अगर आप 50 वर्ष बता रहे हैं, मेरे हिसाब से ये 70-75 साल से भी पुराना कुआं है और ये हमारा जो राजेंद्र मार्केट है ये ऐतिहासिक धरोहर में भी इसको लिया गया है नगर निगम की तरफ से और ये कुआं उस समय का ही है, तो इसका भी सौंदर्यीकरण होना चाहिए। और हमने पीछे नगर आयुक्त से बात हुई थी, हम बैंक मोड़ चेंबर ऑफ कॉमर्स की तरफ से हमने ये उनको आश्वासन दिया था कि आप अगर हमें परमिशन दें तो कुएं के आसपास का सौंदर्यीकरण हम कर देंगे, हम अपने खर्च पे सौंदर्यीकरण कर देंगे ताकि बैंक मोड़ अच्छा लगे, बैंक मोड़ ग्राहकों को लुभा सके, बैंक मोड़ की खोई हुई जो चीज़ें हैं वो वापस बैंक मोड़ को मिल जाए, ग्राहक बैंक मोड़ में आने लग जाए। और यहाँ पे जो एक बैंक मोड़ जाम का धब्बा लगा हुआ है वो खत्म हो जाए। तो यहाँ पर इस वक्त पानी भरा था, बताइए कि इस कुएं से आप कब से पानी ले रहे हैं? ये 30-35 साल से हम लोग यूज कर रहे हैं हम लोग, और वो पुराना से पहले से भी हो रहा है। तो यहाँ से जो पानी ले जाते हैं वो किन लोगों को आप देते हैं, कहाँ इस्तेमाल होने वाला है? घर, मोहल्ला, मार्केट, दुकान, आसपास की
आसपास का सब जगह। कितना पुराना ये कुआं है? ये कुआं मतलब ब्रिटिश जमाने का, पहले का, बहुत पहले का, हम लोग का आने का भी पहले का। ये जो अतिक्रमण किया हुआ था तो क्या परेशानी होती थी, अब हट गया तो क्या सुविधा? ये सुविधा मतलब इसमें सुविधा यही है कि थोड़ा ऊंचा करके इसमें जाली लग जाना चाहिए तो बहुत अच्छा रहेगा, इसलिए कि थोड़ा कचरा उचड़ा गिरता है, कुछ भी गिर सकता है, यही दिक्कत। तो बिल्कुल आपने सुना, हमने चैम्बर के लोगों से बातचीत की, इन लोगों ने हमें बताया कि ये कुआं जो है ये ऐतिहासिक धरोहर है और बैंक बोर्ड को इन्होंने कैनॉट प्लेस के नाम से बताया कि ये यहाँ पर काफ़ी संख्या में ग्राहक पहुँचते हैं, लेकिन अब यहाँ पर जाम की जो स्थिति रहती है, साथ ही साथ अतिक्रमण की जो स्थिति रहती है, यहाँ पर ग्राहकों का आना कम हो गया है। ऐसे में ज़रूरत है कि इस क्षेत्र का सौंदर्यीकरण किया जाए, खास करके इस कुएँ के बारे में इन लोगों ने बताया कि इस कुएँ का सौंदर्यीकरण होना चाहिए, इसमें फाउंटेन लगाना चाहिए, ग्रिल लगाना चाहिए, ताकि जो लोग पानी ले रहे उन्हें पानी भी मिले और साथ ही साथ ये देखने में भी अच्छा लगे, लोगों को अपनी ओर आकर्षित करे, क्योंकि लगातार शहर के अलग अलग कई ऐसी जगह है जिसे ऐतिहासिक धरोहर कहा जा रहा है, तो ये कुआं भी उन्हीं ऐतिहासिक धरोहर में से एक है। यहाँ तक कि चैम्बर के लोकेश अग्रवाल जी ने बताया कि इन लोगों ने नगर आयुक्त से बातचीत भी की और कहा है, यह आश्वासन दिया है कि अगर इसका सौंदर्यीकरण कर दिया जाता है तो इसके आगे की देखभाल वो करेंगे और जो भी व्यवस्था है वो उनके सुपुर्द रहेगा, यानी कि बैंक बोर्ड चैम्बर जो है वो इसे लेकर सजग रहेगा। अब देखते हैं कि कब तक इस पर काम किया जाता है और दोबारा से इस पर अतिक्रमण ना हो, इस पर लेकर भी क्या कुछ एक्शन देखने को मिलता है। इस तरह के तमाम अपडेट्स हम अब तक पहुंचाते रहेंगे। अपने सहयोगी संतोष के साथ शाम्भवी सिंह, द न्यूज़ पोस्ट, धनबाद।